तो आप लोगों को मैं एनिलीडा, मोलस्का, ये सब बात, ये जब जितना भी क्लासिकल वाला पार्ट हम पढ़ा दिया था, आर्थ्रोपोडा पढ़ाऊंगा मैं इस वीडियो में। आपको बहुत डिटेल्स तो नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको वो चीज़ बता दूंगा जहाँ से क्वेश्चन आता है उसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि वीडियो आपको बुक हो सकता है आपके पास है, लेकिन जो बातें मैं बता रहा हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो मैं जस्ट बुक के थ्रू आपको पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, वीडियो को अच्छे से देखिएगा। और पहले का वीडियो अगर अभी तक नहीं देखे, जैसे आपका बायो केमिस्ट्री हो गया, क्लासिकल जूलॉजी का दो वीडियो अपलोड किया, वो जाकर देखिए। मैं 100% गारंटी वहाँ से क्वेश्चन आएगा, और आता है, हर बार आया है, इस बार भी आएगा। तो मैं आर्थ्रोपोडा पढ़ा रहा हूँ, इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। जो जो पार्ट आपको पढ़ने बोल रहा हूँ वो अच्छे से पढ़िए, क्योंकि वहाँ से आपको हेल्प होगा। अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ चाहिए, तो आप सोशल मीडिया मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, मेरा वो ट्विटर में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, सब जगह मैं हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आर्थ्रोपोडा पढ़ाता हूँ। पहला बात तो देखिए, पहले जो आप पढ़ रहे थे वहाँ पर आपको पता होगा कि डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होता है, ये आर्थ्रोपोडा है ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। तो ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल के बारे में बताओ। जैसे काइटेनियस एक्सोस्केलेटन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किससे बनता है, एनएसिटाइल म्यूरामिक एसिड का उसका मोनोमेरिक यूनिट होता है, ठीक। उसके अलावा क्या होता है कि हेड और थोरक्स, एब्डोमेन, तीन पार्ट होता है, लेकिन यहाँ पर हेड और थोरक्स फ्यूज होकर सेफालोथोरक्स बनाता है आर्थ्रोपोडा में। और क्यूटिकल्स प्रेजेंट रहता है फोर एंड मिड गार्ड में, लाइन बाय द इनिशिया, एंड मेटामेरिक सेगमेंटेशन कैन बी सीन। मेटामेरिक सेगमेंटेशन और कहाँ देखा जाता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आर्थ्रोपोडा में तो मिलता है और एक जगह मिलता है, अब याद रखिएगा। अब है क्रस्टेशियन। क्रस्टेशियन क्या होता है, क्लास होता है आर्थ्रोपोडा के अंदर। जैसे बॉडी डिविजिबल इन टू थ्रफ सेफाल ऑफ थोरक्स एंड एब्डोमेन, और प्राउन खाते होंगे वहाँ, वो इसके अंदर ही पड़ता है, ठीक। फाइव एंड मोर पेयर्स ऑफ लेग्स एंड यूजुअली एक्वाटिक, रेस्पिरेशन थ्रू द गिली। यहाँ से क्वेश्चन आता है दोस्तों, कहाँ से रेस्पिरेशन हो रहा है, सेफालोथोरक्स रहता है, काइटेनियस एक्सोस्केलेटन रहता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, अच्छे से पढ़िएगा इसको। अब सलाप सब क्लास के आकर बैंक्टियोपोडा आ जाता है, वो मैंडिबल से वेजिटल पर भी थोड़ा थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स, लेकिन क्वेश्चन जहाँ से आएगा मैं बता दूँ। जैसे डाफनिया, डाफनिया से पूछ सकते हैं कहाँ बिलोंग करते, तो आपको क्रस्टेशिया लिखना पड़ेगा, तालाब में बहुत मिलेगा। अगर आप तालाब का पानी लेके माइक्रोस्कोप में देखिएगा तो डाफनिया बहुत मिलेगा आपका। चेरी शेप होता है, चेरी शेप के तरह देखने से ट्रांसपेरेंट होता है, दिख जाता है, अगर प्रैक्टिकल किया तो आपको पता होगा। ऑस्ट्राकोडा, ऑस्ट्राकोडा में साइप्रस आता है, इसका इतना कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। जो कोपेपोडा में साइक्लोप्स आता है ये याद रखना है, मैंडिल्स, और ये मैंडिबल्स आता है, रहता है कि नहीं रहता है, ब्रैंकियोरा, ये कैरापेस रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैरापेस से क्वेश्चन आता है, तो ये आपको याद रखना है। एक उसके बाद जो आता है सीरीपेडिया, सीरीपेडिया में क्या होता है कि स्पेसिफिकली वो लोग मेरान में रहता है, लेकिन जो थोराक्स होता है बायरोनोमस अपेंडिजेस रहता है, तो ये बायरोनोमस अपेंडिजेस कहाँ मिलता है, ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ सकता है आपको। उसके बाद नीचे आपको एग्जांपल्स, कॉमन नेम और किस क्लास में, सब क्लास में पढ़ रहा है वो ज़्यादा याद रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है। मेलाकोस्ट्राका, मेलाकोस्ट्राका में क्या होता है कि मैंडिबल्स जो होता है बहुत बड़ा होता है, ठीक। थोराक्स कंटेन 8 पेयर्स एंड एब्डोमेन बियर्स 6 पेयर ऑफ अपेंडिजेस। अपेंडिजेस क्या होता है आप एक बार गूगल कीजिएगा तो पता चल जाएगा अपेंडिजेस क्या होता है। वेरी सिंपल है, बहुत सारी चीज़ ना भी जाने तो कोई दिक्कत नहीं, अगर रट्टा मार सकते रट्टा मार लीजिए, कम टाइम है, इतने में इतना ही काफ़ी हो सकता है। मायरियोपोडा में क्या है कि 10 से 100 पेयर्स ऑफ लेग होता है, ये सबसे मेन प्रॉपर्टी है उसका। और रेस्पिरेशन जो होता है वो ट्राकियर गिल से होता है, ये क्वेश्चन बहुत आता है, बताओ ये ऑर्गेनिज्म जो है किसके थ्रू रेस्पिरेशन कर रहा है। तो स्कॉलोपेंड्रा एंजुलस आप देखिए होगा, बारिश के टाइम में निकलता है, रेड कलर का होता है, और बहुत सारा। तो सेंटीपेड मिलीपेड बोलते हैं इसको, मिलीपेड किसको बोलते हैं, मिलीपेड मतलब आपका एक ही सेगमेंट में बहुत सारे लेग्स होगा तो उसको मिलीपेड बोलेंगे। अगर बॉडी का एक ही सेगमेंट में एक ही लेग्स है तो उसको हम लोग सेंटीपेड बोलेंगे। तो स्कॉलोपेंट्रा आई थिंक सेंटीपेड में आता है, जुलूस आपका मिलीपेड में आता है, तो ये याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन आता है। इंसेक्टा में तो भर के क्वेश्चन आएगा कि मेन प्रॉपर्टी जो होता है 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होता है, थोरासिक लेग्स एंड हेड कंटेंट पेयर ऑफ एंटीना एंड द कंपाउंड आई, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है। मैल्पेजियन ट्यूब से भी क्वेश्चन आएगा, एक्सक्रेशन के लिए हेल्प करता है। एनिलिडा कौन सा करता है, नेफ्रिडिया के लिए करता है, याद रखिएगा। एनिलिडा नेफ्रिडिया के थ्रू करता है, और आपका जो इंसेक्ट हो आपका मैल्पेजियन ट्यूब्स के थ्रू करता है, एक्सक्रेशन करता है, और पेरीप्लैनेटा इसका एग्जाम्पल है। उसके बाद अगर एरकनिडा, एरकनिडा देखिए होंगे कि आपका जितना भी घर में भी आपको मिल जाएगा एरकनिडिका स्पेस। जैसे बॉडी डिविजिबल इन थेपा थोड़ा सा, और सबसे इंपॉर्टेंट है 4 लेयर ऑफ फेयर पेयर ऑफ लेग्स रहता है, और रेस्पिरी थ्रू बुक लंग्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। और ये दो पार्ट। उसके बाद जो होता है मेरेस्टोमाटा, मेरेस्टोमाटा में स्पेसिफिकली 5 पेयर्स ऑफ लेग्स होता है, जो वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स है फॉर द मेरेस्टोमाटा। और ये जो पार्ट है कॉक्सल गैंड, जैसे नेफ्रिडिया एनिलिडा में हेल्प करता है, जैसे एक्सक्रेशन के लिए एनिलिडा अगर देखिएगा तो वहाँ पर नेफ्रिडिया रोल प्ले करता है। अगर आप मेरेस्टोमेटा में आइएगा जो आर्थ्रोपोडा के अंदर आता है, वो कॉक्सल ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो ये आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। ये जो लिमोनास है यहाँ से क्वेश्चन आएगा, उसका कॉमन नेम क्या है, जैसे किंग क्रैब बोलते हैं इसको। उसके बाद डायरेक्ट कंपाउंड आई में आपको जाना पड़ेगा, कंपाउंड आई से बहुत सारा क्वेश्चन आता है। इसका स्ट्रक्चर आपको देख कर रखना पड़ेगा कि आर्किटेक्चर कैसा है आई का, और क्या क्या सेगमेंट्स होता है स्पेसिफिकली। यहाँ आ जाता हूँ डिफरेंस में पहले, तो कंपाउंड आई स्पेसिफिकली आपको पढ़े होगा, आपको इतना मैं डिटेल्स में नहीं जाऊँगा कि कंपाउंड आई जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो क्या होता है कि जो इमेज रेजोल्यूशन होता है बहुत कम होता है,
लेकिन अगर आप उसका देखिएगा वाइड लेंस, जैसे हम लोग अपने आँख से देख सकते 170 एंगल तक देख सकते हो वाइड एंगल तक, लेकिन अगर आर्थोपोडा में जाएगा तो उसका जो एंगल राज व्यू जो होता है वाइड एंगल हो जाता है और फास्ट मूवमेंट को बहुत जल्दी डिटेक्ट कर सकता है, क्योंकि उन लोग का जो ओसेली रहता है बहुत सारा ओसेली रहता है, और ईच ओसेली डिपेंड करता है किस तरह का कॉम्पाउंड आए, जैसे दो तरह का आया हो सकता है, सुपर पोजिशन आया ना अपोजिशन आए, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा किस तरह का मूवमेंट को ऑब्जर्व करना चाहता है, रात में ज़्यादा दिखेगा दिन में ज़्यादा दिखेगा, ये सब जो काम है। जैसे नॉक्टर्नल एनिमल्स जो होता है उसको सुपर पोजिशन आए होता है, तो ये रात को जैसे मौत उत हो गया जो घूमता है वो नॉक्टर्नल्स होता है, और कम लाइट में वो लोग को जीना पड़ता है, तो उसके लिए लोग कंपाउंड सुपर पोजिशन कंपाउंड आई रहता है जो हेल्प करता है डिटेक्ट करने में कोई भी चीज़ को। अपोजिशन आई में क्या है कि कंपाउंड आई जो होता है वो अमांटिडियम होता है एज ए सिंगल यूनिट स्पॉट एंड इमेज इज कंपोजिट विद ऑल स्पॉट, मतलब जितना भी आपका अमांटिडियम से सिंगल आ रहा है उसको सबको कंबाइन करके एक इमेज बनाता है, और स्पेसिफिकली डायगोनल इंसेक्ट जो होता है वहाँ पर रहता है। यहाँ पर आप इमेज देख सकते हैं कि सुपर, ये आपका सुपर इम्पोजिशन का कंपाउंड का एक एग्जाम्पल है, यहाँ पर कंपोजिशन करके देख सकते हैं ये कंपोजिशन कर रहा है। यहाँ पर जैसे आप फोकल अपोजिशन देखिएगा, एक यूनिट एक को परसेप्शन कर रहा है, तो ये डिफरेंस है स्पेसिफिकली, यहाँ एक 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 यूनिट एक को ही परसेप्ट कर रहा है, यहाँ पर मल्टीपल यूनिट से आ रहा है और रिसेप्शन जो हो रहा है एक जगह में हो रहा है, इसी कारण वो डिफरेंस आ रहा है। सिंपल आई के बारे में इतना कुछ बताने का मुझे जरूरत नहीं, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। मेटामॉर्फोसिस से बहुत सारा क्वेश्चन आने वाला है, मेटामॉर्फोसिस वन ऑफ द वाइटल पॉइंट एंड मेटामॉर्फोसिस होने के लिए कौन कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, वहाँ से बहुत क्वेश्चन आएगा, तो इसको आप अच्छे से याद रखना है कि मेटामॉर्फोसिस जो होता है वो पोस्ट एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट होता है। ठीक, क्या होता है? पोस्ट एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर इमेच्योर लार्वल लाइफ टू सेक्सुअली एडल्ट, मतलब इमेच्योर जो लार्वा होता है जो मैच्योर नहीं होता, एक्चुअली बायोलॉजिकल सिस्टम में मैच्योर एनिमल उसको ही बोला जाता है जो स्पेसिफिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने में सक्षम हो जाता है। बहुत सारी जगह पर एक्सेप्शन है लेकिन ये मेजर एक रोल प्ले, मतलब एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसको हम लोग बोल सकते हैं मैच्योर हो गया। तो जब कोई भी एनिमल इमेच्योर होता है, सेक्सुअली डेवलप नहीं होता, उसको हम इमेच्योर स्टेज में बोलते हैं। तो इमेच्योर लार्वल लाइफ इज कन्वर्टेड इन सेक्सुअली एडल्ट, हम इंसान का बात नहीं कर रहे हैं, इंसान तो कभी भी कुछ भी कर लेता है, हम इंसेक्ट का बात कर रहे हैं अभी। तो जैसे एज वेल एज हैबिट एंड फंक्शन, तो ये मेटामॉर्फोसिस वन ऑफ द मेन कंपाउंड है, डेवलपमेंट होगा फिर आगे जाओ, मतलब हाथ पैर बढ़ रहा है ठीक है लेकिन जब तक तुम सक्षम नहीं हो जा रहे हो बाहर मत निकलो, इस टाइप का बायोलॉजिकल मतलब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बोल सकते हैं। अब बात आ गया कि कितना तरह का मेटामॉर्फोसिस होता है, तो वन ऑफ द जो मेटामॉर्फोसिस जो सिल्वर फिश में दिखाया जाता है, जो क्वेश्चन आएगा अभी आपका सिल्वर फिश से, कि ये मेटाबोलस जो मेटामॉर्फोसिस है वो देखा जाता है सिल्वर फिश में, और वो आपका बहुत प्रिमिटिव टाइप बोल सकते हैं कि आपका यंग जो है एक से निकला और उसके बाद सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स और बॉडी डेवलप हुआ, उसके बाद रिप्लेस किया, ओल्ड स्किन जो होता है उसको रिप्लेस कर दिया, उसको मोल्टिंग बोलते हैं स्पेसिफिकली, तो वो करने के बाद वो एडल्ट बन जाता है। ये सिंपल मेटामॉर्फोसिस है, उसमें कुछ बड़ा चीज़ नहीं है। उसके बाद आता है ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस और द पोरो मेटाबोलिज्म। सो स्पेसिफिकली दिस टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस कम इस ज़्यादातर आपका इंसेक्ट में आपको मिल जाएगा, जैसे कॉकरोचेस हो गया, ग्रास ऑफर्स हो गया और चीटिया हो गया, वहाँ पर आपको ये इस तरह का मेटामॉर्फोसिस मिलेगा। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आने वाला है जहाँ पर आपको जो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस बोल सकते हैं, जो आपका घर में भी आपको कॉकरोचेस मिलता है उड़ उड़ के घर में दिखता होगा। उसके बाद आता है इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस, हेमी मेटाबोलस डेवलपमेंट। तो ये जो इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस है वो आपका स्पेसिफिकली ड्रैगन फ्लाइज में, मे फ्लाइज में एंड डैम सेलफिश फाइव में मिलता है, और ये बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से आएगा कि जैसे आप ड्रैगन फ्लाइज मे फ्लाई एंड आपको सिल्वर फिश यहाँ पर दे दिएगा, और सिल्वर फिश आपको लाया गया कि मछली है, तो मछली नहीं है, ये इंसेक्ट है, और ये क्वेश्चन बहुत घुमा फिरा के देता है हर जगह, स्पेसिफिकली BHU का जो एग्ज़ाम होता था वहाँ पर बहुत देता था, तो इसको याद रखना है, और इसका साइंटिफिक नेम भी याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से भी आपको गुमराह कर सकता है वो लोग। अब बटरफ्लाई और बीटल जो होता है वो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस शो करता है, एकदम कंप्लीट मतलब इमेच्योर होता है। देन इसका ये डायग्राम आई थिंक मैं इंक्लूड नहीं किया, डायग्राम इंक्लूड करता तो पता चलता है कोकून बनता है, उसके बाद कोकून के बाद बटरफ्लाई बनता है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये मैं सॉरी यहाँ पर बोल दिया था कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, ये कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस एक्चुअली नहीं है, ये ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस है। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस जो होता है बटरफ्लाई में दिखाया जाता है, बीटल्स में दिखाया जाता है, और कंप्लीट तभी बोलेगा कि प्यूपल स्टेजेस भी होता है आपका, वहाँ पर कोकून भी बनता है, उसके बाद उसका बटरफ्लाई वहाँ से निकलता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट मेटामॉर्फोसिस को रोल कराने के लिए कौन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो जितना भी चीज़ें होते हैं इंसानों में हो कि इंसेक्ट में हो, हार्मोन लोचा के कारण बहुत सारी चीज़ें हो जाता है। ठीक, और तो हार्मोन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जैसे हार्मोनल इंटरप्ले इन इंसेक्ट मेटामॉर्फोसिस क्या रोल प्ले करता है, तो आपको पता होगा प्रोथोरासिक हार्मोन्स मतलब प्रोथोरासिक ग्लैंड रहता है, और वहाँ पर न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स होता है, क्या करता है वो PTTH सिक्रेट करता है, PTTH मतलब प्रोथोरासिक ट्रॉपिक हार्मोन, ब्रेन हार्मोन बोलते हैं, वो क्या करता है प्रोथोरासिक ग्लैंड को जाके एक्टिवेट करता है,
और वो न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स ब्रेन में जो होता है वो सिक्रेट करेगा पीटीटीएच। पीटीटीएच क्या करेगा, जाके प्रोथोरासिक ग्लैंड होता है वहाँ पर एक्टिवेट करेगा। वहाँ एक्टिवेट करने के बाद प्रोथोरासिक ग्लैंड से आपका एग्डाइसन हार्मोन होता है वो निकलेगा, और एग्डाइसन हार्मोन बाकी काम करवाएगा। लाइक हम लोग जैसे स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलता है, फिर जाके जैसे थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का बात करें तो वो जाके थायरॉयड ग्लैंड में जाएगा, फिर उसके बाद थायरॉयड हार्मोन जो उसको रिलीज करने में हेल्प करता है। जैसे प्रोथोरासिक ग्लैंड हो गया, जैसे प्रोथोरासिक ग्लैंड में क्या क्या रीजन है और कहाँ से आपका एग्डाइसन हार्मोन निकल रहा है। एग्डाइसन हार्मोन याद रखिएगा स्टेरॉयड हार्मोन होता है, उसके स्टेरॉयड रिंग रहता है और स्पेसिफिकली ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मोल्टिंग, सेडलिंग, जितना भी आपका मेटामॉर्फोसिस चेंजेस आता है, नया क्यूटिकल बनता है, पुराना वाला चले जाता है, तो ये जो जितना भी चेंजेस हो रहा है ये आपका स्पेसिफिकली एग्डाइसन हार्मोन के कारण हो रहा है। ये डायग्राम सबको पता होगा। तो एक और आपका रीजन होता है जहाँ पर कॉर्पोरा एलाटा बोलते हैं। कॉर्पोरा एलाटा क्या करता है, वहाँ से एक हार्मोन निकलता है जिसको जुबिनाइल हार्मोन बोलते हैं। तो उसका भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेटामॉर्फोसिस में, और ये स्पेयर ऑफ सेल्स होता है और ये आपका स्पेसिफिकली लार्वल स्टेज एक्टिव रहता है, लार्वल स्टेज के कारण। और प्यूपा एंड इमागो जो है स्टेजेस वहाँ पर डेवलप नहीं होता, जब तब होता है। तो ये जुबेनल हार्मोन और आपका ये एग्डाइसन हार्मोन के बारे में आपको ऐसे देखना पड़ेगा, यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारा आएगा। उसके बाद आया एकाइडेंड्रोमेटा। एकाइडेंड्रोमेटा से स्पेसिफिकली जो क्वेश्चन पूछता है कौन सा क्लास में कौन सा एनिमल मतलब बिलोंग करता है, उसका कॉमन नेम क्या है, और वहाँ पर जो वाटर वास्कुलर सिस्टम है वहाँ से मेजरली क्वेश्चन आता है। जैसे एकाइंड्रोमेटा में अगर आ जाऊँ तो यहाँ पर आपका ट्यूब फेड रहता है, ये वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक जहाँ पर आपको क्वेश्चन आता है। यहाँ से वाटर वास्कुलर सिस्टम एंड ट्यूब सिस्टम ये पाया जाता है। सेंट्रल नर्व रिंग मिला जाता है, रेडियल नर्व रिंग मिला जाता है, ये प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर एकाइंड्रोमेटा में मिलता है जो पहले नहीं मिल रहा था। एस्ट्रोइडिया उसका एक क्लास है जहाँ पर आपको स्टार शेपेड स्पेसिफिकली एकाइंड्रोमेटा मतलब स्टार फिश समझते हैं। तो स्टार फिश होता है, फाइव आर्म्स होता है, ट्यूब फीड होता है सकर्स मतलब होल्ड करने के लिए। और आप सिंपली अगर यूट्यूब में जाइए सर्च कीजिएगा स्टार शेपर्ड एनिमेशन वीडियो तो आपको मिल जाएगा बहुत अच्छा सकर कैसे काम करता है। और सकर्स को वैक्यूम क्रिएट करने के लिए जैसे वाटर वास्कुलर सिस्टम का यूज़ किया जाता है पंपिंग के लिए, तो वो भी एक बार देख लीजिएगा, वहाँ से क्वेश्चन आता है। एग्जाम्पल क्या है एस्ट्रेस। और लार्वा से क्वेश्चन आएगा, डाइप्लोरिया लार्वा, ब्रैकिलोरिया लार्वा एंड बाइपिनरिया लार्वा। एस्ट्रेडिया जो क्लास होता है उसके अंदर जो लार्वा बनता है उसका नाम बताया। स्टारफिश याद रखिएगा एस्ट्रेस को बोलता है, यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा। किसके थ्रू करता है, जो आपका मूवमेंट जो होता है वाटर वास्कुलर सिस्टम के थ्रू करता है। सकर रहता है, पकड़ लेता है वॉल को, जैसे छिपकली पकड़ता है, हाइड्रोलिक पंप की तरह काम करता है वो लोग। तो एकाइनोइडिया एक उसके से उसमें से एक क्लास है जहाँ पर आपका आर्म्स नहीं रहता है, ग्लोबुलर बॉडी होता है, ट्यूब फीड रहता है होल्ड करने के लिए सरफेस को। और एकाइनोप्लूटियस आपका इसका लार्वा होता है और एकाइनस उसका एग्जांपल है। क्रिनोइडिया में अगर आए तो यह भी स्टार शेप्ड बॉडी होता है, फाइव बाइफर्केटेड आर्म्स रहता है विथ ट्यूब फीड विथ टेंटेकल्स। स्टार फिश में देखिएगा तो सिर्फ आपका यहाँ पर आपका ट्यूब फीड विथ सकर्स होता है, यहाँ पर टेंटेकल्स के साथ है। तो ये सब डिफरेंस कभी कभी पूछेगा। अब उसका जो लार्वा का नाम है वो क्रिनोइडिया एंड डॉलियोलारिया लार्वा। तो ये लार्वा का नाम तो आप याद रख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है। एंटीडॉन इसका एग्जांपल है। उसके बाद अफियोरोइडिया लार्वा मतलब क्लास, उसके अंदर स्टार से उसका भी बॉडी होता है लेकिन यहाँ पे ट्यूब फिट रहता है क्योंकि लेकिन कुछ सकर नहीं रहता है। ठीक है, अफियोफ्लूटियास जो है आपका ये लार्वा का नाम है और एग्जांपल जो अफियोथ्रिक्स ये आपका एग्जांपल हो गया। लास्ट जो है होलोथ्रोइडिया, आपको यहाँ से डायरेक्ट पूछेगा क्यूकमरिया जो नाम है उसका कौन सा क्लास में बिलोंग करता है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। लार्वा का नाम होता है ऑरिकोलियरिया लार्वा एंड डोलियोलारिया लार्वा, यहाँ से स्पेसिफिकली क्वेश्चन पूछते हैं। वाटर वास्कुलर सिस्टम आपको देखना पड़ेगा, वाटर वास्कुलर सिस्टम कैसे काम करता है, क्या क्या ऑर्गन है, मेड्रिपोराइट क्या होता है और पोलियन वेसिकल्स क्या होता है, उससे किस तरह का चीज़ें सीक्रेट होता है, क्या काम करता है, ये आपको देखना पड़ेगा। उसके अलावा मैन्युफैक्चर एमोइड सेल्स होता है और टाइडेमैन बॉडीज होता है, वो भी बहुत सारे रोल प्ले करता है, येलोइश इन कलर होता है। तो ये स्पेसिफिकली ये सब टर्म जो मैं हाईलाइट करके रखा हूँ ये आपको देखना पड़ेगा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए। ठीक, और एकाइनोड्रोमेटा में ख़त्म करता हूँ, ये आपका एग्जांपल है। देखिए यहाँ पर मैं जस्ट एक डायग्राम देता हूँ, यहाँ से क्वेश्चन किस तरह का पूछा है। जैसे मेड्रोपॉड देख रहे हैं, ये स्केलेटन लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक, ये आपका देख सकते हैं ट्यूब फीड से ये वाला पार्ट, ये पंपिंग की तरह काम करता है, सकर्स इसी में रहता है। ऊपर वाला पार्ट को एम्पिला बोलते हैं, इसको ट्यूब फीड बोलते हैं। ठीक, और ये जो आपका मेन चेन से यहाँ निकल रहा है बाहर तरफ, इसको रेडियल कैनल बोलते हैं, और बीच में जो घूम रहा है इसको रिंग कैनल बोलते हैं। तो ये यहाँ से क्वेश्चन आप डायग्राम याद रखिए, अगर आपको ऐसे रट्टा मारने में दिक्कत हो रहा है, मतलब पढ़ नहीं पा रहा अच्छे से, तो आप सिंपली कुछ नहीं कर सकते, आप डायग्राम वाइज याद रख सकते, कोई भी बुक में आपको मिल जाएगा, और स्ट्रक्चर वाइज डायग्राम देखिए और उसको रट्टा मारिए, तो वहाँ से भी आपका बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगा। और कोई भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो हर वीडियो की तरह इस वीडियो में प्रेमपूर्वक आदरपूर्वक आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।